थियोक्रेसी, थियो मतलब गॉड, क्रेशिया मतलब रूल, देयरफॉर थियोक्रेसी इज लिटरली रूल ऑफ गॉड। ट्रेडिशनली मतलब कैसे जाना जाता है इसको, रूल ऑफ रिलीजियस फंक्शनरीज, इधर पोप और कैलिफ और एनी अदर रिलीजियस फंक्शनरी। टुडे इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये मोर इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन बजाय हु इज रूलिंग। टाइपोलॉजी, तो टाइपोलॉजी में दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक तो मतलब इस तरीके से जिसमें तीन तीन टाइप हो जाएंगे, हायरोक्रेसी, रॉयल थियोक्रेसी, जनरल थियोक्रेसी। दूसरे तरीके से अगर क्लासिफाई करेंगे मतलब नंबर ऑफ रूलर्स, तो मोनिस्टिक थियोक्रेसी, डुअलिस्टिक थियोक्रेसी। हायरोक्रेसी क्या है? हायरोक्रेसी मतलब वही रूल ऑफ रिलीजियस फंक्शनरी। तो एक तरीके से मतलब साथ में इसको नंबर के हिसाब से दूसरे क्लासिफिकेशन की जो क्लासेस हैं वो भी असाइन कर सकते हैं, जैसे हायरोक्रेसी में मोनिस्टिक हो जाएगी। क्यों? नंबर इस सेंस में नहीं कि कितने रिलीजियस फंक्शनरी हैं या नहीं है, पर इस सेंस में कि जो पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है या अथॉरिटी है वो वन है या फिर पैरेलल और भी है वहां पे दूसरी, तो इसमें मोनिस्टिक हो जाएगा हायरोक्रेसी में। रॉयल थियोक्रेसी जिसमें रूल्ड बाय मोनार्क बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन या ऑफ अ रिलीजन, ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, और इस केस में ड्यूअलिस्टिक हो जाएगा। फिर थर्ड वाला जनरल थियोक्रेसी, इन विच कंट्री इज, इसमें मतलब सिंपल जनरल जनरल सेंस में क्या होगा, कंट्री इज रूल्ड ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, ये भी मतलब ड्यूअलिस्टिक हो जाएगा। और जो हमने दूसरा क्लासिफिकेशन देखा था मोनिस्टिक थियोरी, उसमें क्या होगा, रिलीजियस हायरार्की इज आइडेंटिकल टू एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, मतलब जैसे वेटिकन में जो रिलीजियस है वो ही पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है। डुअलिस्टिक थियोक्रेसी में रिलीजियस हायरार्की इज नॉट इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, या रिलीजियस हायरार्की इज नॉट आइडेंटिकल विथ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, मतलब डुअलिस्टिक में रिलीजियस हायरार्की और पैरेलल में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। क्रिटिसिज्म क्या है? इट गोज अगेंस्ट पॉपुलर सॉवरेंटी एंड रूल ऑफ लॉ, इट गोज अगेंस्ट द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ, कुछ सिटीजन्स को बेटर ट्रीट किया जा रहा है। इट इज अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस। इट इज अ प्ली फॉर कंजर्वेटिव सोसाइटी, इट मे गो अगेंस्ट प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म्स। इट सेंक्शंस ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलीजन में मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इनक्वालिटी, वेमेन आर मैन आर ट्रीटेड सुपीरियर देन वेमेन। फिर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हो सकता है मतलब इसमें, या एक तरीके से होता है कि अगर मतलब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है तो इन सम केसेस मतलब दे हैव प्रमोटेड इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब कुछ केसेस में कुछ कंट्रीज ने ऐसा किया है। तो क्रिटिज्म क्या हो गया? अगेंस्ट पॉपुलर सॉवरेंटी एंड रूल ऑफ लॉ, अगेंस्ट इक्वालिटी, अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, प्ली फॉर कंजर्वेटिव सोसाइटी, अगेंस्ट प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म, सेंक्शन से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इन सम केसेस इंटरनेशनल टेररिज्म। एथिकली अनजस्टिफाइड क्यों है? बिकॉज इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी, इट रिजेक्ट्स द आइडियाज ऑफ प्लूरलिज्म, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, इट वायोलेट्स फ्रीडम स्पेशली ऑफ माइनॉरिटीज, इट सेंक्शंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो क्यों नहीं, एथिकली जस्टिफाई किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी, इट रिजेक्ट्स प्लूरलिज्म, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, वायलेट्स फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज एंड सेंक्शंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फ्रेंड्स प्लीज चेक आउट द फिलोसफी बुक दैट आई हैव पब्लिश्ड। यह बुक एक तरह से इंडियन फिलोसफी की क्वेश्चन बैंक है। इस ई बुक को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। यह आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और आप इसके कुछ सैम्पल पेजेस भी पढ़कर देख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अ वे टू सपोर्ट माई वर्क। जितना मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा मैं फिलॉसफी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड फील करूँगा।
So please friends, check out the link in the description below to see what exactly it is.